सूरज अभी निकल चुकी है, आप लोग को हम होटल हंसुआ लाइट सारा कुछ पत्थर मम्मी लोग का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हम सुबह सुबह आ गई हूँ गेहूँ काटने अपने खेत में। ये देख सकते हैं, ये वाला खेत काट के ख़त्म कर दिए, ये वाला, और इधर का तो कल ही काटे थे, और अभी और भी काटना बहुत है। तो सुबह हम लोग 4:30 बजे करीबन आए, क्योंकि गेहूँ धूप में नहीं काटा जाता है, सुबह मॉर्निंग में ही काटा जाता है या तो फिर इवनिंग में। तो मैं ये लेने आई हूँ अभी, ये लाइट और ये हसुआ। तो ये वाला खेत हम लोग का ख़त्म हो गया पूरा। तो उधर मम्मी लोग काट रही है, तो अभी मम्मी बोली कि जाओ लाइट ले आना। सो गाइस, तो इतना सारा बोतल हंसुआ लाइट सारा कुछ पकड़ के मैं अभी जा रही हूँ मम्मी लोग तरफ। और अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, जब सूर्योदय होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ जुड़े, ठीक है, ब्लॉग में। बहुत मस्त सूर्योदय होता है मॉर्निंग के टाइम, तो मस्त दिखता है यहाँ से भी। तो मम्मी लोग इधर काट रही है, मैं भी काटती हूँ, अभी बहुत देर तक काटना है। सुबह सुबह मज़ा आता है, धूप में अच्छा नहीं लगता है। इधर मेरी मम्मी भाभी काट रही है, पानी चू रहे हैं मेरे हाथ में। इधर मम्मी, इधर भाभी लोग, उधर बड़ी मम्मी लोग, पूरा इतना बड़ा खेत में सब कोई हेले हैं। आए है जगह रखियो, आए यह जगह रखियो। तो गाइस, अभी हम काट रहे हैं अपना गेहूं, जल्दी जल्दी काटते हैं क्योंकि यहाँ कैमरा पकड़ने वाला तो कोई नहीं है, तो मेरा काटते हुए नहीं दिखेंगे हम, क्योंकि खुद हम ही कैमरा पकड़ते हैं। तो इधर सब तरफ कट गया, यह है हंसुआ ठोठो। सर्दी कर रहा है गाइस, सूरज अभी निकल चुकी है, आप लोग को हम दिखाते हैं बैक कैमरा से। गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूर्योदय हो रहा है, ये रहा, 5:45 हुआ है अभी, मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही प्यारा। और उसके गाइस, तो अभी बज रहे हैं 9:30, और अभी हमारा गेहूं काटने के लिए टोटल ख़त्म हो गया, सारा खेत हम लोग ख़त्म कर दिए, ये देख सकते हैं। और अभी तक हम लोग भूखे प्यासे हैं, और सुबह तो उठ के डायरेक्टली हम लोग इधर ही आए थे खेत तरफ गेहूं काटने, अभी जाके खाना उना बनाना पड़ेगा, सब कोई भूखे है। अभी तक ब्रश नहीं किए हैं, अभी तक ब्रश व्रश कुछ नहीं हुआ है, पानी भी प्यास बहुत ज़ोर लग रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, कितना मेहनत करना पड़ता है हम किसानों को, तब जाके दो मतलब अन्न का दाना मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, यही है हमारा गांव का रियलिटी। अगर हम किसान मेहनत नहीं करेंगे तो कितना लोग भूखा रह जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग को तो मेहनत करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसान हैं ना, तो इसीलिए हम लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल में पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, इसी तरह प्यार दुलार बरसाते रहिए। तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं, और इतना सारा हंसुआ हम पकड़े हैं, और दर्शन करते जा रहे हैं। अभी आना का भूख भी प्यास भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही होता है खेती बाड़ी। 9:30, 10 अभी जाकर बर्तन धोना, झाड़ू फाड़ू सब। सरई का फूल इतना खूबसूरत लगता है, ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा, पूरा पत्रा का फूल, सुंदर खुशबू। मम्मी लोग सब जा रही है, ठंडा लग रहा था मॉर्निंग में, इसीलिए शॉल वगैरह लेते आए थे। बड़ी मम्मी दोनों, इधर मेरी मम्मी, आगे भाभी लोग जा रही है।
पत्तूर लेके जा रही है। पत्तूर स्वादन लगी, स्वाद खत्म हो जाए इसलिए। तुम कैसे कर रहे धूप से? देख मेहनत गया है, मेहनत 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 बहुत करना। पिल्लू तो रहे कर लोकर में। हाँ दतुअन खाले तले हमके देख के पिल्लू हले हमके एकदम हमके एक दूसरे लागे सेल नहीं करी। हम लोग घर आ गए हैं और अभी नतवन नतवन करके चेहरा वहरा धो लिए, तो रात वाला जो खाना थोड़ा सा बचल है उसी को जा रहे हैं अभी खाने, भूख लग रहा है। उसके बाद हम लोग फिर बनाएंगे। तो मम्मी क्या कर रही है? तो हम लोग सब खाना वाना खा लिए और बैंक साग का चटनी मम्मी पीसी थी तो बहुत मज़ा आया। तो बैंक साग हम लोग रोपे हैं, दिखाते हैं एक मिनट ना आप लोग को, बहुत सारा है। ये है राहड़, राहड़ सूख रहा है दाना। इतना सारा और ये है हम लोग का बैंक साग, ये देखिए इतना सारा। ये अमरूद का पेड़ हो रहा है, ये भी अमरूद का पेड़ हो रहा है और उसमें वो वाला पौधा हो रहा है। सो गाइज वीडियो हमें यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल गाइस।